एक बार वापसी तरफ से आपके और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे इसके पहले हमने पटाखों का वीडियो बनाया, जयपुर में लोकल स्ट्रीट का वीडियो बनाया, बट आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ जयपुर शहर में रोशनी आपको दिखाने कि कौन कौन सी जगह पर कितनी रोशनी वहां पर हो रखी है और कौन कौन सी सजावट जयपुर में हो रखी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जयपुर। जी हां, लेके आ चुका नई यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं आज जयपुर में दिवाली 2021 की रोशनी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर्ड कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहे। अभी मैं हूँ पांच बत्ती से, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। पांच बत्ती से अभी हम जाएंगे चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, किशनपोल बाजार और हवा महल। तो मैं आपको सारी चीजें आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा देता हूँ, देखिए कितनी सुंदर जयपुर में जो रोशनी की गई है, और यहाँ पर बीचों बीच भगवान शिव विराजमान है, और ये देखिए दोस्तों, सबसे अट्रैक्शन का जो पॉइंट है जयपुर में अभी, जहाँ पर लोगों की फोटो खिंचाने के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ी पड़ी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक डमी हवा महल का स्ट्रक्चर छोटी चौपर पर बनाया गया, और आप पीछे देख सकते हैं हूबहू हवा महल जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया, और यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, पूरे जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान से लोग यहाँ पर फोटो क्लिक करवाने आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम हवा महल के आकार का और एकदम हवा महल के कलर का यहाँ पर इसको गुलाबी रोशनी से रंगा गया। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे अभी मेरे पीछे आप फोटो क्लिक करा रहे हैं। वक्त हूँ मैं बापू बाजार, आप बापू बाजार देख सकते हैं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रोशनी में नहाया हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए ये है बापू बाजार का मेन चौराहा है जो है, और आप ऊपर देख सकते हैं कितना लाइट, कितनी लाइट और कितनी लैंप यहाँ पे लगाई गई है, और बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए चारों तरफ, आप इधर इधर नज़र दौड़ाएंगे, इधर रोशनी, इधर देखिए शुरू से लेकर एंड तक आपको लाइट ही लाइट दिखाई देने वाली है। आप इधर भी देख सकते हैं, देखिए इधर से लेकर उधर तक सारी लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं। देखिए जयपुर की बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है ईसल लाट, आप मेरे पीछे देख सकते कितना सुंदर ये रास्ता सजाया गया है। जब हम छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया गेट की तरफ चलते हैं तो आपको सजावट कुछ अलग ही देखने को मिलती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भव्य जो सजावट है जयपुर शहर में भी की गई है। त्रिपोलिया गेट और चौड़ा रास्ता है ये, अभी हम चलने वाले हैं इस तरफ हवा महल की तरफ हम चलने वाले हैं। और हवा
हूँ मेन जौहरी बाजार में। आप देख सकते हैं LMB कितना शानदार यहाँ पे हमेशा की तरह एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया और काफी अच्छी रोशनी पिछली बार से ज्यादा अभी की गई है। और आप देख सकते हैं जौहरी बाजार की क्या ही रौनक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मोतीसंस ज्वेलर के सामने और देखिए इसका कितना शानदार रूफटॉप जो स्टेज है वो सजाया गया है और आप जौहरी बाजार की रौनक देख सकते हैं, देखते ही रौनक बन रही है। अभी आपको वीडियो को करना है शेयर और लाइक ताकि जयपुर के बारे में आपको ऐसा कंटेंट मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलता रहे। आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, लाल कलर के बटन को दबा के कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब ताकि जयपुर के बारे में आपको ऐसी अनएक्सप्लोर्ड वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलते रहे। जैसे कि आज हमने आपको दिवाली की नाइट लाइट आपको दिखाई है कि दिवाली में कैसे जयपुर को सजाया जाता है और हर एक चीज़ हम जहाँ तक हम कवर कर सकते हैं हमने कवर किया। आई होप आपको ये पसंद आएगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी कर लीजिए फॉलो MISTER_ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर मैं रॉ फुटेज डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद एंड अगेन हैप्पी।